नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। मैं हूँ शेफ गिरीश दुबे और आज की रेसिपी शेयर करेंगे आप लोग। बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें ग्रीन पीस चाहिए, पालक चाहिए और वेजिटेबल जो कि ब्लांच करा हुआ उबला हुआ नवाक, ग्रीन चिल्ली चॉप, ग्रीन चिल्ली चॉप, कोरिएंडर चॉप, पटाटो ब्लांच करा हुआ, जीरा, किचन किंग मसाला, कॉर्नफ्लोर, और आलू को हमने मैश कर लिया। हमने आलू लिया था, करीब 150 ग्राम आलू था, और ब्लांच करा हुआ 150 ग्राम हम वेजिटेबल डाल देंगे, सारा डाल देंगे। बीन्स, फूलगोभी, गाजर हमने छील के इसको ब्लांच कर लिया, उबाल लिया, और ग्रीन पीस, ये सारा हम 150 ग्राम वेजिटेबल 150 ग्राम आलू में मिक्स करेंगे। ग्रीन चिल्ली 1 टीस्पून, चाट मसाला, जीरा पाउडर, किचन किंग मसाला, सॉल्ट, नमक, और ग्रीन पीस, सारा हमने आप लोगों को बताया। ग्रीन पीस वेजिटेबल मिला के 150 ग्राम लेंगे दोनों चीज, और जो मसाले डाले वो हमने 5-7 ग्राम डाले हैं, 1/2 टीस्पून, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें चाहो तो आप थोड़ा पनीर, थोड़ा सा पालक पेस्ट 5-7 ग्राम, कॉर्नफ्लोर करीब आपको इसमें 20 ग्राम पड़ेगा, 4 टी स्पून। ये हमारा रेडी और मसाला रेडी हो गया जी। इस तरीके से हम टिक्की बना लेंगे इसकी, ये देखिए। हम काजू लगा देंगे इसके ऊपर, अच्छा दिखेगा, सुंदर दिखेगा हमारा हरा भरा। इस तरीके से हम काजू लगा लेंगे, इसको हम फ्राई कर लेंगे, मीडियम ऑयल में फ्राई करना है, ज्यादा गर्म में नहीं, ज्यादा ठंडे में नहीं। तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। चलिए, हमारा हरा भरा रेडी, इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। और हमारी रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करना, और आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप लोग अपडेट मिलते रहेंगे, अपडेट मिल जाएगा। और आप लोगों में लिंक दे दूंगा, काफी आइटम जाके चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।